हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीड, इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ग्रामर, द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज. ऐसा विज्ञान है ये जिसमें हम भाषा के सिद्धांतों की बात करते हैं. द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्पीच, जिसमें स्पीच के जो पार्ट्स है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उनका अध्ययन किया जाता है. एंड देयर रिलेशंस टू वन अनदर, और उनके आपस में संबंध. द आर्ट कंसर्न विद द राइट यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज. इसमें हम ये सीखते हैं कि किस तरह से भाषा के जो नियम है, जिसमें हम स्पीकिंग और राइटिंग की बात करते हैं, कि स्पीकिंग और राइटिंग के लिए जो नियम भाषा में बने हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. जहाँ पर हम ये बातें सीखते हैं, जहाँ पर इन नियमों की बात होती है, उसे ग्रामर कहते हैं. द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग विद करेक्टनेस और अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड यूसेज. स्पीच कंसीडर्ड विद रिगार्ड टू द रूल्स ऑफ अ ग्रामर. ग्रामर में स्पीकिंग और राइटिंग के लिए सही तरीके से उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, सही तरीके से बोलना, सही तरीके से लिखना, इसके लिए जो भी नियम बने हैं, जहाँ पर हम इन नियमों को सीखते हैं, जहाँ पर इन नियमों की बातें की जाती है. स्पीच कंसीडर्ड विद रिगार्ड टू द रूल्स ऑफ अ ग्रामर, जहाँ पर स्पीच के ओवरऑल रूल्स की बात की जाती है, उसे ग्रामर कहते हैं. ग्रामर मे बी सिंप्लीफाइड डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स. सिंपली इसे डिफाइन किया जाता है रूल्स के बारे में, कि जो नियम बने हैं भाषा के. That defines a grammatical structure of a language, जिसमें grammatical एक structure बना होता है, एक ढांचा बना होता है नियमों का, जिसका भाषा में इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है. It is a study of what is to be preferred and what avoided in inflection and syntax. इसमें ये बात की जाती है कि किन चीज़ों का पालन करना चाहिए और किन चीज़ों का पालन नहीं करना चाहिए. इसमें भाषा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए नियमों की बात की जाती है. इन अ ब्रॉडर सेंस, अगर हम व्यापक इसका अर्थ देखें, ग्रामर कैन बी डिफाइंड एज द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज. ये ओवरऑल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भाषा के स्ट्रक्चर, भाषा के ढांचे के बारे में बात की जाती है. और लैंग्वेज इन जनरल यूजुअली taken as consisting of syntax, the ordering and of and relationship between the words and other structural elements in phrases and sentences. Sentence and phrases में, या फिर sentence और phrases किस तरह से शब्दों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें बनाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी बात ग्रामर में की जाती है. एंड मॉर्फोलॉजी, जिसे द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, शब्दों के ढांचे की इसमें बात की जाती है, इंक्लूडिंग पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन. एंड समटाइम्स आल्सो फोनोलॉजी, और कभी कभी हम इसमें बात करते हैं, फोनोलॉजी की भी बात करते हैं. फोनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स. एंड सिमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, कि किस चीज़ का क्या अर्थ है. ग्रामर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विद इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेज़ी भाषा की बात करें तो ग्रामर अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है भाषा का. इवन दो इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड एवरी वन सीम्स टू बी बिजी एंड टू लुक फॉर शॉर्टकट मेथड्स. आज के युग में सभी चाहते हैं कि आसानी से हम किसी भाषा को सीख लें, किसी शॉर्टकट तरीके से. बट इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ग्रामर एंड इम्प्रूविंग ग्रामेटिकल स्किल्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. परंतु ग्रामर को सीखना, ग्रामर का इस्तेमाल किसी भी तरीके से, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है. इट इज़ आल्सो ट्रू दैट अ लैंग्वेज कैन बी लर्नड थ्रू द वेज इन विच इट इज़ यूज ऑन डे टू डे बेसिस. ये बिल्कुल सच है कि डे टू डे बेसिस पर जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उस वे में हम इसको सीख सकते हैं. बट लर्निंग और इम्प्रूविंग ग्रामर स्किल्स हैज़ इट्स ओन वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स.
परंतु हम अगर कहें कि डे टू डे लाइफ में हम भाषा को कॉमन जो यूज़ करते हैं सभी, उस वे में सीख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर ग्रामर के जो स्किल्स हैं उनकी अपनी ही एक वैल्यू है और उसकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लर्निंग इंग्लिश, ग्रामर की इंग्लिश को सीखने में क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारा नेक्स्ट इसमें इसका पार्ट है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ग्रामर इज़ बिहाइंड द लॉजिक ऑफ अ लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का ये एक ढांचा होता है जिसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें लॉजिक के साथ हम बात करते हैं, लॉजिक सभी जो भी नियम है, जो भी भाषा का एक ढांचा है, उसकी यहाँ पर बात की जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भाषा के एक्चुअल स्वरूप को, जो कि लॉजिकल है, उसको हम ग्रामर के थ्रू सीख सकते हैं। ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये एक शब्दों का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंड द वेज विद वर्ड्स वर्क टुगेदर, और उस तरीके को इसमें स्टडी किया जाता है जिसके द्वारा शब्द आपस में मिलकर किसी भी काम को करते हैं। काम को करने से अर्थ है कि काम आते हैं, जैसे सेंटेंसेस हम वर्ड्स के थ्रू बनाते हैं, फ्रेजेस वर्ड्स के थ्रू बनाते हैं, तो वो बनने की जो प्रक्रिया है उसको सीखने की अगर बात की जाए तो वो उसके लिए हमें ग्रामर की हेल्प लेनी पड़ती है। ग्रामर हेल्प्स टू फ्रेम द सेंटेंसेस विद प्रॉपर नॉलेज सो दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एग्जैक्टली वांट टू एक्सप्रेस। ग्रामर हेल्प्स टू फ्रेम द सेंटेंसेस, ग्रामर की सहायता से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ, सो दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड। तभी अगर हम ग्रामेटिकली सही तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो दूसरे व्यक्ति हमारी बात को आसानी से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। वी स्टडी ग्रामर टू स्पीक इन क्लियर एंड मोर इफेक्टिव मैनर, हम ग्रामर को इसलिए स्टडी करते हैं कि हम सही तरीके से क्लियरली बोल सकें और इफेक्टिव मैनर में बोल सकें। अ पर्सन हु हैज़ अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ ग्रामर मे बी सफिशेंट फॉर सिंपल लैंग्वेज, अगर किसी को अनकॉन्शियसली ग्रामर का नॉलेज हैज अनकॉन्शियसली नॉलेज ऑफ ग्रामर, जो डायरेक्टली किसी ग्रामर को नहीं सीखा किसी ने, लेकिन फिर भी वो ग्रामर का इस्तेमाल करता है, सिंपल लैंग्वेज यूज़, बट दोज हु विश टू कम्युनिकेट इन एन आर्टफुल मैनर एंड वेल विल सीक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशिएंसी दैट द स्टडी ऑफ ग्रामर प्रोवाइड्स। अगर नॉर्मल भाषा में तो हम विदाउट नॉलेज ऑफ ग्रामर कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इफ़ेक्टिव वे में, वेल मैनर में किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, ऑफिशियली कहीं पर कम्युनिकेट करना है ओरल वे में या फिर रिटन वे में, तो उसके लिए डेप्थ वे में हमें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग और प्रोफिशिएंसी इसमें होनी चाहिए, स्टडी ऑफ ग्रामर प्रोवाइड, जो कि ग्रामर की स्टडी से ही पॉसिबल है कि हम दूसरे के सामने अच्छे से अपने विचारों को रख सकें। देन ग्रामर रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, ग्रामर में इन ऐसे नियमों की बात की जाती है, रेगुलेशंस की बात की जाती है, जो स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज को गवर्न करते हैं, जिनके सहायता से हम बोलचाल कर सकते हैं या फिर रिटन में अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं। हेल्प्स ग्रामर हेल्प्स लर्नर्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, स्पीकिंग और राइटिंग अगर करेक्ट वे में करनी है तो उसकी सहायता हमें ग्रामर से मिलती है। ग्रामर हेल्प्स द लर्नर टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, ग्रामर की सहायता से हम ओरल एंड रिटन वे में इंग्लिश को जब इस्तेमाल करते हैं उसमें जो गलतियां होती है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रामर एनेबल द लर्नर्स टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच,
जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच को किस तरह से आपस में जोड़कर नियमों के साथ बोला जाता है, ये चीज़ें भी ग्रामर से ही सीखने को मिलती है। इट एक्वेंट द लर्नर्स विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इससे एक लर्नर को भाषा के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। इट एनेबल द लर्नर्स टू यूज़ प्रॉपर वर्ड्स एट प्रॉपर प्लेसेस व्हाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। ग्रामर का एक ये भी फ़ायदा है कि इसकी स्टडी से लर्नर को ये पता चलता है कि कहाँ पर हमने कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना है, कहाँ पर हमने कैसे वॉइस का, स्पीच का इस्तेमाल करना है स्पीकिंग और राइटिंग इंग्लिश में। तो आज हमने ग्रामर के बारे में, इसकी मीनिंग के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस अंग्रेज़ी को सीखने में क्या क्या है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।